अस्सलामु अलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू बैंक नॉलेज। तो आज मेरे डिवाइस पे ऑफिशियल अपडेट ओप्पो की तरफ से आई थी, जो कि है ओप्पो A54 का, जो थी कलर OS 11.1 और एंड्रॉयड 11 की। तो मैंने सोचा डिवाइस भी अपडेट कर लूँ और साथ एक वीडियो भी बना दूँ और आपको इसके फीचर्स भी बताता चलूँ। तो जैसे ही अपडेट हुआ, सबसे पहले हमारे पास गूगल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। इसमें हमें मुख्तलिफ इसके फीचर्स के बारे में बताता है, स्क्रीन रिकॉर्डर, डिवाइस कंट्रोल्स हमारे पास आ जाते हैं। और जो जो फीचर्स हमारे पास इस अपडेट में आए हैं, उनमें से चंद जो मेन फीचर्स हैं वो गूगल की तरफ से हमें पहले इधर लिखे हुए नज़र आते हैं। उसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑफिशियली ये गूगल की तरफ से वेलकम आएगा, हमारा डिवाइस पूरा सेट हो चुका है एंड्रॉयड 11। चलते हैं अब चेंजेस की तरफ। तो जो हमें पहली चेंज देखने में नज़र आती है, जो कलर OS 10 और 11 में डिफरेंस है, वो ये है कि जब हम क्लोज टैब मेन्यू ओपन करते हैं तो हमारे पास नीचे डिफरेंट आइकन्स भी साथ आ जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमने कौन सा ऐप ओपन किया हुआ है। और इसके अलावा जो हमें बहुत बड़ी चेंजेस नज़र आती हैं, वो जब हम लॉन्चर की सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले वॉलपेपर्स को जब हम देख लें, वॉलपेपर्स का पहले जो मेन्यू था वो चेंज था, वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। इसके अलावा आइकन्स का ऑप्शन हमें दे दिया गया, यहाँ पे हम आइकन्स की सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉलम मेन्यू है, कॉलम और रोज मेन्यू, ये भी अभी इधर ऑप्शन दे दिया गया। इसके अलावा विजेट्स में हम जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास कम्प्लीटली डिफरेंट मेन्यू को कम्प्लीटली डिफरेंट कर दिया, जो पहले काफ़ी डिफरेंट था अभी काफ़ी डिफरेंट हो गया है हमारे पास। तो ये भी एक अच्छी चेंज है हमारे पास। इसके अलावा जो हमारे पास ऊपर स्लाइड बार, नोटिफिकेशन स्लाइड बार आया, तो ये इस पर भी हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिली हैं। देखिए आप इस मेन्यू को देखें तो ऊपर से थोड़ा रिफ्लेक्टिव ट्रांसपेरेंट सब मेन्यू हमारे पास दे दिया गया है। पहले जो था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, ओपैक मेन्यू था, और डिफरेंट ऑप्शन हमें इस पर मिल जाते हैं अब इसके साथ साथ। इसके अलावा जो हमें डिवाइस पर कैलकुलेटर पहले देखने को मिलता था, हम जब ऊपर से नोटिफिकेशन स्लाइड बार में भी ऑप्शन है वहाँ से हम करते थे तो हमारे पास मिनी कैलकुलेटर निकलता था, अब हम करें तो हमारे पास पूरा मैनुअल कैलकुलेटर निकल आता है। इसके अलावा इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की ऑप्शन ऐड की गई है और काफ़ी चेंज हुआ है ये भी। बाकी इंटरफेस तो इसका कैलकुलेटर का सेम ही है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें भी हैं हमारे पास, जो कि अच्छी अच्छी बात है। एक इसके अलावा हमारे पास इस दफ़ा OS 11 कलर OS 11.1 में किड स्पेस का ऑप्शन ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। जब आप बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं तो उनके आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या देखें क्या ना देखें। इसके अलावा उनका स्क्रीन टाइम वगैरह एडिक्शन से बचाने के लिए, तो हम इसको देखो ऑन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसको एक्टिवेट करने का मेन्यू आ जाता है और इसमें काफ़ी डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, जो काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। इसके अलावा जो हमारे पास बेड टाइम मोड था, उसमें चार्जिंग का एक ऑप्शन ऐड किया गया, चार्जिंग का। इस ये हमारे लिए इस तरह हेल्पफुल है कि जब हम रात को हम डिवाइस को चार्जिंग पर लगा के छोड़ देते हैं तो चार्जिंग की स्पीड को कंट्रोल करता है, जिससे हमारी जो बैटरी की लाइफ टाइम है, बैटरी का लाइफ टाइम वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपका रूटीन क्या है, बेड टाइम रूटीन क्या है। तो ये अब ऑन करके आप अपनी बैटरी की हेल्थ को और उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक जो हेल्पफुल ऑप्शन है हमारे पास, हमें दे दिया गया है, वो है ओप्पो A54 में, जो मेरे पास कलर OS 10 था उसमें नहीं था, इसमें है OS 11 में, 11.1 में, वो है पर्सनलाइजेशन का। ये बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है, इसमें आप मोबाइल को अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो। इसमें नोटिफिकेशन ड्रावर का ऑप्शन है, आप नोटिफिकेशन ड्रावर के जो आइकन्स हैं उनको अपने हिसाब से उनकी शेप को सेट कर सकते हो, स्क्वेयर, रेक्टेंगुलर, डिफरेंट टाइप की शेप्स आपके पास दी गई हैं इधर, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो ये भी। और इसके अलावा हमारे पास कलर्स दिए गए हैं, जो आप के जो लेआउट होता है, जो इंटरफेस होता है मुख्तलिफ ऐप्स के अंदर, उसके अंदर आप जो कलर्स होते हैं वो आप कलर्स चेंज कर सकते हो। इसके अलावा ऐप लेआउट दिया गया है, जो बाहर हमें मेन ड्रॉअर की सेटिंग में बैन भी देखने उधर भी मिल देखने को मिल रहा था। इसके अलावा होम डिज़ाइन और वॉलपेपर वगैरह दिए गए हैं। इसके अलावा हमें पेमेंट प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप मुख्तलिफ ऐप्स जो आप बैंकिंग ऐप्स ऐड करते हैं उनके ज़रिए पेमेंट करते हैं, तो उसको सिक्योर बनाने के लिए पेमेंट प्रोटेक्शन का ऐप ऑप्शन दिया गया है, आपकी पेमेंट मॉनिटर करता है सारा वगैरह। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल ऐप है। इसके अलावा जो कन्वीनियंस टूल्स का मेन्यू था, उसको भी काफ़ी चेंज किया गया है पहले की निस्बत। अभी इसको हम खोल के देखें तो हमारे पास नेविगेशन, गेस्चर एंड मोशन, स्क्रीन शॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और इसके अलावा एक नया ऑप्शन ऐड किया गया, जो क्विक रिटर्न बबल है, जो आपकी गेमिंग में हेल्प करता है आपको काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे पास गेम स्पेस था ओप्पो का, इसको काफ़ी मॉडिफाई किया गया है। इसको हम ओपन करें तो हमारे पास जो सबसे पहले नीचे इंटरफेस आता है, ये भी काफ़ी चेंज हो गया है। और इसके अब हम सेटिंग में जाके चेक करें तो हमारे पास इसमें सेटिंग में जाते हैं तो
मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए। इसमें गेम सजेशन, गेम असिस्टेंट का ऑप्शन दिया गया है। जो गेम असिस्टेंट है, जब गेमिंग के दौरान ये आपके मुख्तलिफ ऐप्स और मुख्तलिफ फंक्शंस हैं उन तक रसाई को यकीनी बनाता है, जो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। खाली वीडियो को देखो ही मत यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को।